पिक्चर चालू करो बे। एक सोशल मीडिया का कैंपेन आपने भी बनाया था, विकास गांडो उठे छे। मेरे बेटे को गांडो बोल रही है, गाली दे रही है। देखना मर साले को, साफ कर कचरा पेटी को। गुजराती में गांडो का मतलब पागल। हिट रहा बिल्कुल। अब पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि आ गुजरात मेनू बनाओ छे, इसमें क्या गलत है? वो थोड़ी कह रहे कि मैंने बनाया, वो तो हर व्यक्ति को कह रहे हैं। बिल्कुल वही बोल रहे हैं। अरे अंजना जी, आप अंतर्यामी कहां से हो गई? आज आप अंतर्यामी हैं तो अच्छी चीज है। जो चीज का गजब बेइज्जती है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर आपको क्रेडिट लेना है, आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे मोरबी कांड के 10 दिन के बाद भी एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं होती? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे 22 एग्जाम के पेपर लीक होते हैं, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, आपने कोई एक्शन नहीं लिया? तुम्हें शर्म है कुछ? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे छोटे उद्योगपति बेचारे मर चुके हैं कोरोना के बाद में, आपने कोई उसको हेल्प नहीं की? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे कोरोना काल में अपने मृत्यु जो हुई उसको छिपाया? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे 3 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण गुजरातियों पे आज के दिन में हो चुका है? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे भ्रष्टाचार के मामले में गुजरात पूरे देश में 7वें नंबर पे? कौन सी बात कर रहे हैं आपने? आप इन चीजों की क्रेडिट लीजिए। भाई समझ के बोल रहा हूं यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अभी मोरबी प्रधानमंत्री जी जाके आए, ब्रिज को तो रिपेयर नहीं कर पाए, रात को बिल्डिंग रिपेयर हो रहा था। क्या ये आपकी संवेदनशीलता है? 27 साल का डबल इंजन जो डबल डीजल खाता है और एवरेज आदि देता है, गुजरात की जनता ने वो देख लिया। क्या मोरबी के कांड में अभी तक कोई जो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई है? जो गिरफ्तारी हुई है छोटी मछली की हुई है, यही आपका अहंकार दिखाता है। म्यूजिक। और अंत में मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। गुजरात के इतने बड़े सपूत थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनकी समाधि पे लिखे राम को आपने हलफनामा देके काल्पनिक कह दिया। दूसरे इतने बड़े सपूत थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बताइए 1950 में उनकी मृत्यु के बाद कोई एक स्कीम बताइए जो सरदार पटेल के नाम पे कांग्रेस ने चलाई। तो गुजरात का गौरव हो या गुजरात का विकास, दोनों मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरदार पटेल जी और महात्मा गांधी की बात करें, इनको नाम लेने का भी अधिकार है। हर बार जब मैं एक ही सवाल इनको पूछता हूँ, गोडसे मुर्दाबाद आज तक, क्योंकि उनके अंदर वो संगी तो मर नहीं सकता है। सुधांशु जी व्यक्ति अच्छे हैं, तो कहां से बोलेंगे गोडसे मुर्दाबाद? कहीं ना कहीं गोडसे लगाव तो रहेगा ही रहेगा। जली ना तेरी भी जली ना। आज तक बोल नहीं पाए, मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी डिबेट का समय खराब हो और वापस वो ऑकवर्ड सिचुएशन में आए, पर पूरे कम से कम 2 से 3 डिबेट में इनको जब कहा गया गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोल पाए। यही सरदार पटेल का गुजरात है जहां पे सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्या गया। और अरे हमरी तो खपड़िया चकरा गई रे। और इनको मैंने परसों भी सवाल पूछा था, सरदार पटेल जी क्यों संघ में नहीं थे? सरदार पटेल जी ने क्यों आरएसएस पे बैन लगाया था नफरत फैलाने के लिए? कम से कम दूसरे की जो नेता होते हैं, आज सरदार पटेल जी गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आपका खुद का नहीं है तो दूसरे पे डोरे मत डालिए, कम से कम खुद का कुछ खड़ा कीजिए ना। आपने इतिहास में देश के लिए कुछ किया? भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ रहे, हमेशा देश के साथ गद्दारी की है। आपका इतिहास माफी का है, आप कम से कम सरदार और गांधी का नाम अपने मुंह से ना लीजिए। ये नहीं लगता है कि इतनी बड़ी घटना, 150 लोग जहां पे मरे, आज कम से कम 9-10 दिन हुए, क्या आपको नहीं लगता है कि सही में? और सारी चैनलों ने दिखाया कि वो कंपनी कौन सी है, वो ऑफिसर कौन सा है, एक भी बड़ी गिरफ्तारी नहीं होना। और गोडसे मुर्दाबाद कहने में क्यों आपको जब चुनौती दी जा रही है तो आप मुस्कुरा रहे थे सुधांशु जी? क्योंकि दिल अच्छा बोल तो दीजिए, ऐसी है कि वो लबों पे आ ही जाती है चाहे जितना ये बचने का प्रयास करें। तो हम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। हाँ, अच्छा वो तो बहुत बढ़िया, पर एक बार तो बोल दीजिए के बारे में। हाँ नहीं, गोल से मुर्दाबाद बोल दीजिए। आ गए ना, आ गए। पहले बताइए, आपने पहले बयान को माफी मांगी, फिर मैं जवाब दूंगा। देखिए, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, तो वो कोई हाड़ मास का दो हाथ दो पांव के व्यक्ति तो थे नहीं, वो तो एक विचार माने जाते नहीं है, विचार का केंद्र माने नहीं जाते हैं। ये बात है। अरे सर क्या बात है, तो उसे कुछ आत्मा का हत्यारा बड़ा या शरीर का हत्या बड़ा? मैं शरीर के हत्यारों को मुर्दाबाद अच्छा, से मुर्दाबाद को बोल दीजिए। ये गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद, आप बोलिए मैं तैयार हूँ। आप बोल दीजिए कि गांधी जी के लिए सिर्फ एक शरीर है, वो विचार उनके लिए कुछ नहीं। अरे आप बोलिए ना, क्यों नहीं बोल पा रहे? अगर नहीं बोल पाए, नहीं बोल पाएंगे कि वैचारिक नियत में खोट है बड़ा, क्योंकि दिल में तो संगी है जिसने अंग्रेजों को समर्थन किया। अरे बोलिए ना, नियत में आपका खोट है, दिल में तो वही है। आप कभी तो ना बोलिए, हो गया आपका, हो गया आपका, हो गया। आप नहीं बोल पाए, बोले गौर से मुर्दाबाद। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन। यही नहीं, अभी और सुनिए, बोलो गौर से मुर्दाबाद। सफेद कर दिया इन्होंने अपना कमल, बीजेपी वाला बिल्कुल, जो उनका बैच भी लगाते हैं वो भी सफेद। उनके कमल का रंग उड़ गया है। इतने साल घिसी पिटी बातें कर करके उनके कमल का रंग उड़ गया है, क्योंकि इतिहास में तो ब्लैक एंड व्हाइट ही फिल्म चलेगी। क्या 52 साल तक तिरंगे को नहीं फरकाया आरएसएस ने? मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, जब तिरंगा हमारा बना था तब इन्होंने विरोध किया कि 3 रंग देश के लिए अशुभ है, 3 रंग देश के लिए अशुभ है, इसीलिए तिरंगा नहीं होना चाहिए। जब हमारा जो संविधान बना तब इन्होंने विरोध किया, राष्ट्रगान का तब इन्होंने विरोध किया। कह रहे हो फौजी,
किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को राष्ट्रवाद की बात करते हुए, जिनका इतिहास ही देश के साथ गद्दारी कर रहा है। उनको कांग्रेस को इतिहास के नाम पे राष्ट्रभक्ति का ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है। अब इतने बड़े इतिहासकार बैठे हैं जिनको वर्तमान का नॉलेज नहीं है, तो आपके दर्शकों को कुछ तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास भी सारे आंकड़े हैं। आजाद हिंद फौज का विरोध किसने किया था? आजाद हिंद फौज जब देश में आ रही थी तब इनके नेताओं ने विरोध किया अंग्रेजों के साथ मिलकर कि सेना में भर्ती होनी चाहिए जिससे आजाद हिंद फौज देश में जाए। और सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, अरे कितनी गद्दारी करेंगे भाई साहब, देश की इसको सब मालूम है। निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यार। चलो गोरसे मुर्दाबाद तो नहीं बोला आपने, क्योंकि आपके दिल से नहीं निकल रहा है। मैं आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगा, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सांसद हैं, सांसद का मुझे रिस्पेक्ट करना है। जीना नहीं चाहता। ए, ला, चल चल ला। शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए हर दिन हर रोज हम एक ऐसा ही वीडियो आपके लिए।